क्या कहते थे और क्या कर रहे हैं, जरा उसके ऊपर आपको दिखाते हैं पीडीएम की गवर्नमेंट का। इस मार्च महंगाई मार्च होगा, इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा। महंगाई मार्च, इसका नाम रद्दुल फसाद होना चाहिए। अवामी मार्च का इब्तदा आज से शुरू हो रहा है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। टैक्स का तूफान खड़ा कर दिया है, महंगाई की सुनामी में आवाम डूब रहे हैं। एक एक दिन में 5-5 रुपए कदर गिर रही है पाकिस्तानी रुपए की, डॉलर बढ़ रहा है। एक महीने से कम अरसा में डॉलर जो है वो 8 रुपए बढ़ गया है। डॉलर जो है वो 104 रुपए से पिछले 50 दिनों में जो है वो 134-135 के ऊपर पहुंच गया है। आज ग्रोथ कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, रुपी डिवैल्यू कर गया, ये उसके असरात हैं। जब रुपए की कीमत 1 रुपया गिरती है, पाकिस्तान के डेट में 105 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। दावे ये थे कि हम बेहतरीन टीम मैदान में उतारेंगे। ये हुकूमत जिसको तजुर्बा नहीं था, जिसके पास टीम नहीं थी, मेरे महबूद आखिर ये तमाशा कब खत्म होगा? चीजें विल सेटल डाउन इंशाल्लाह। उसका इल्म है, अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी आयोग से डील करते हुए। डार साहब का तशरीफ लाए हैं, डार साहब को बड़ा तजुर्बा है, बड़े तजुर्बाकार आदमी है। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इस किताब से निकालेंगे। जब मैं जहाज में मैंने कदम रखा तो उन तमाम स्पेकुलेटर्स को पता आ गया कि ये वापस आ रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर 8.82 रुपए महंगा होकर 274.93 रुपए का हो गया। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो, बहुत शुक्रिया। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे।